डियर स्टूडेंट, चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग फ्रिक्शन लेसन के अंदर सीरीज ऑफ वीडियो पढ़ रहे थे और उसमें अब पिछले क्लास में हम लोग यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के कंसेप्ट पढ़ रहे थे और दो केस पढ़े थे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कोई वस्तु रखा है तो उसमें कैसे फ्रिक्शन निकालना है, कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। और आज हम लोग केस नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे जो कंसेप्ट होगा कि अगर कोई वस्तु इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है तो उस केस में क्या फ्रिक्शन हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केस थर्ड। मान लेते हैं कि कोई मेरे पास रफ इंक्लाइंड प्लेन है। रफ का मतलब होता है रुकना, जिसमें फ्रिक्शन का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। अगर स्मूथ होता तो फ्रिक्शन नहीं होता। ये मेरे पास रफ इंक्लाइंड प्लेन है जिसका हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइनेशन कुछ एंगल मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं। मानने में क्या जा रहा है, कुछ भी मान सकते हैं ना। मानने के लिए तो आप किसी के पर्सन को, कोई भी पर्सन को आप कुछ भी मान लेते हो। तो वही चीज लिखना है कि यहां पर जो इंक्लाइनेशन क्या है, अल्फा है। अब यहां पे शादी वाला जो जनरेटर था ना उसको रख दिए और बोला कि इसको मैं चढ़ा के देता है ट्रैक्टर के ऊपर। तो क्या वस्तु का जो वेट होगा आपको याद करना है, हमेशा कहां पे लगता है बाबू, नीचे लगता है। ग्रेविटी के कारण वेट यहां पर लगेगा W=mg। अब इसमें दो केस हो सकते हैं। अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा हो पहला केस हो सकते हैं। दूसरी का केस क्या हो सकते हैं, अगर बॉडी नीचे की तरफ आ रहा, अगर नीचे भी उतारना है ना तो फोर्स आपको ऊपर ही अप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर चढ़ाना है तो फोर्स तो खैर ऊपर अप्लाई करना ही पड़ेगा, ये चीज आप जानते हो। एकदम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे शादी में जनरेटर है, अब उसको ट्रैक्टर पर चढ़ाना है ना। तो ट्रैक्टर पर चढ़ाओगे तो चढ़ाते समय भी फोर्स ऊपर लगाओगे, रस्सी बांध के खींचोगे। क्या उतारते समय छोड़ दोगे, जुर्माना देना पड़ जाएगा, जितना भी सलामी का पैसा होगा सब जुर्माना में देना पड़ेगा। यानी उतारते समय भी क्या करते हैं, फोर्स ऊपर की तरफ एक बड़ा खींच के रखते हैं तब उतारते हैं ना। तो इसमें दो केस आएंगे, एक बार वस्तु जब ऊपर की तरफ मूव करेगा, एक बार वस्तु नीचे की तरफ। लेकिन हम लोग कंडीशन भी मान के चलते हैं, इफ बॉडी मूव इन अपवर्ड, कहां पे मान के चलते हैं अपवर्ड। अब तो ये मान लिया लेकिन फोर्स कैसे अप्लाई करेगा। कोई कहेगा कि सर हम फोर्स ऐसे अप्लाई करेंगे, कोई कहेगा कि फोर्स हम इसके हॉरिजॉन्टल के पैरेलल अप्लाई करेंगे, तब इसमें भी बहुत सारे केस बनेंगे। लेकिन अभी सिंपली हम लोग मान के चलते हैं कि जो फोर्स अप्लाई करने वाले हैं इस इंक्लाइन प्लेन, यानी यह कौन सा प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, और यहां से हम लोग पी अप्लाई कर दिए, कितना फोर्स लगा के खींच रहे हैं, पी फोर्स लगा के खींच रहे हैं। बॉडी ऊपर जा रहा है तो बॉडी ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, जस्ट इसके विपरीत लगेगा, यहां पे क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन। सबसे पहला काम जब क्वेश्चन आए इंक्लाइंड प्लेन का तो आपको इंक्लाइंड प्लेन मान लेना है, अब वेट हमेशा वस्तु का नीचे लगा देना है। दूसरी का काम जो ये लाइनिंग खींचेगा ना इसका परपेंडिकुलर, यानी यहां पे कितना डिग्री एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का, इसमें लगता है नॉर्मल रिएक्शन RN, यानी इसमें फोर्स ये प्लेन के अलोंग तोड़ेंगे। और दूसरी का क्या, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जो इंक्लाइन प्लेन था इससे कितना डिग्री, 90 डिग्री पे। अब बात बताओ कि ये एंगल अल्फा है, अगर ये एंगल आपको मालूम चल जाए तो आप तो वेट को इधर तोड़ोगे और इधर तोड़ोगे ना, तो मालूम करो ये एंगल कितना होगा। थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं, ये अल्फा तो ये कितना होता है 90, ये चीज आप जानते हो। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होंगे, और जब एंगल वो 90 डिग्री होंगे ना तो आप बतला लो ये त्रिभुज बन रहा है ना, तो ये 90 कहलाएंगे, तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा, कितना होगा 90 माइनस अल्फा। अब इस ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। जब दोनों लाइन पैरेलल है तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा,
ये अभी कितना होगा 90 माइनस अल्फा, लेकिन दोनों के बीच का एंगल कितना है अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गए तो ये कितना हो जाएंगे अल्फा। अब तो कंसेप्ट बन गया। अब याद क्या करना है कि यहां पर जो एंगल होने वाला है वही एंगल यहां पर, ये कंसेप्ट समझ में आ गया, सिंपली था। अब W इक्वल टू mg को दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, एक यहां पे तोड़ सकते हैं और एक यहां पे तोड़ सकते हैं। शर्त किसके रहा है, इस एक्सिस के साथ, तो यहां पे क्या हो जाएगा mg cos अल्फा और यहां पे हो जाएगा mg sin अल्फा, या W cos अल्फा W sin अल्फा भी लिख सकते हो। तो सिंपल सा उसको हम फिर दूसरा डायग्राम में दिखा दे, यानी सिंपल देखते हैं, वेट यहां पे था तो हमेशा वेट कहां पे लगा देंगे, W इक्वल टू mg लगा देंगे। ये एंगल अल्फा होगा, यहां पे फोर्स अप्लाई करेंगे, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एंगल कितना हो जाएंगे अल्फा हो जाएंगे। बॉडी ऊपर मूव कर रहा है, मोशन कहां पे है, ऊपर की तरफ है, तो फ्रिक्शन कहां पे, उल्टी दिशा में हो जाएगा, यहां पे अप्लाई कर लेंगे। W है तो यह W cos अल्फा लिख सकते हैं, यहाँ पर W sin अल्फा लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं Rn लिख सकते हैं। ये किस केस के लिए था, बॉडी जब ऊपर की तरफ गया। बस सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, एक बार इस प्लेन के लॉन्ग यानी इनक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो है उस डायरेक्शन में तोड़कर जीरो कर देना है, और एक बार इस प्लेन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं ना उसको क्या करना है जीरो करना है। चेंज कहां पे हो जाएगा, जब बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो फ्रिक्शन कहां पे हो जाएगा ऊपर की तरफ। ये तो अपवर्ड के लिए था, एक डाउनवर्ड के लिए फिगर बना देते हैं। बॉडी यहां पे है, चलो यार अल्फा होगा, वेट तो जैसे था वैसा ही लगेगा, फोर्स तो हम ऊपर ही अप्लाई करेंगे चाहे नीचे उतरना हो चाहे ऊपर, आर एन तो यहां पे लगेगा, अल्फा यह भी होगा W cos अल्फा और W sin अल्फा, बसरते चेंज क्या होगा, मोशन का डायरेक्शन कहाँ है नीचे हो जाएगा, यानी इसमें मोशन का डायरेक्शन ऊपर था, इसमें मोशन का डायरेक्शन कहाँ पे नीचे है, तो फोर्स कहाँ, फ्रिक्शन कहाँ पे हो जाएगा उल्टी दिशा में, यानी फ्रिक्शन भी क्या लग जाएगा इसके साथ लग जाएगा। आप लोग थोड़ा सोचिए, हमको बॉडी को ऊपर ले जाते समय फोर्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगा कि नीचे उतारते समय ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगा, तो आपके दिमाग में ये बात आएगा कि जब बॉडी को हम ऊपर ले जाएंगे उस समय ज्यादा फोर्स की जरूरत होगा, जब वस्तु को नीचे लाएंगे उस समय कम फोर्स की जरूरत होगा। तो आपसे क्वेश्चन देते समय ये दे देता है कि कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर रखा है, तो आप मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स निकालिए जो इस वस्तु को यहां पे रख सकता है। तब मैक्सिमम निकालते समय हम वो कंसिडर करेंगे वस्तु को ऊपर ले जा रहे थे, और मिनिमम निकालते समय हम लोग कंसिडर करेंगे वस्तु को कहां पे ला रहे थे नीचे की तरफ, तो यहां पर लिखेंगे पी मिनिमम और यहां पर क्या लिखेंगे पी मैक्सिमम, और हम लोग सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, देखिए इस केस के लिए समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, इसको एफएक्स बोलते हैं, इक्वल टू जीरो। कितना है इधर, एरो इधर है इसलिए प्लस होगा पी मैक्सिमम, फिर इधर कोई फोर्स नहीं है तो इधर आएंगे, क्या है फ्रिक्शन है एफ है, फिर एक और फोर्स है डब्ल्यू साइन अल्फा इक्वल टू जीरो करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, फिर इसके लॉन्ग क्या है आर एन है, फिर कितना है माइनस डब्ल्यू कॉस अल्फा है इक्वल टू जीरो होगा, इक्वेशन दो हो गया। अब आपको करना क्या है, एक इक्वेशन आप जानते हो कि एफ इक्वल टू मी इन टू आर एन जानते हैं, और एक इक्वेशन जानते हो कि मी इक्वल टू टेन फाई जानते हैं, बस यही चार इक्वेशन आपको अप्लाई करना है, जो डाटा दिया उसका वैल्यू रखना है, जो डाटा नहीं दिया उसका उसको कैलकुलेट करना है। इसमें क्या होगा, जस्ट लाइक ऐसा ही होने वाला है इसमें, फिर आर एन ये तो इक्वेशन सेम रहेगा, माइनस डब्ल्यू
कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो। इक्वेशन चेंज करेगा इधर वाला, पी मिनिमम प्लस एफ फ्रिक्शन ऊपर हो जाएगा माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा इक्वल टू जीरो। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं फ्रिक्शन का, जब आप सोल्व कर लीजिएगा तब आपको कैसा भी क्वेश्चन इंक्लाइंड प्लेन का दे, जो इसमें फोर्स क्या हो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल लग रहा हो, आप इस कंसेप्ट का यूज करके उसको तोड़कर सोल्व कर सकते हैं। फिर अगले केस में हम लोग पढ़ेंगे कि जब फोर्स को क्या करें, यहां से कुछ एंगल सप्लाई करें, लेकिन उसके पहले इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आज बनता है, उस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग जो कंसेप्ट देखे हैं कि अगर कोई बॉडी रफ इंक्लाइंड प्लेन पे ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसको अपवर्ड ले जाते समय क्या फोर्सेस लगाने पड़ेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाने के लिए क्या फोर्सेस लगाने पड़ेंगे, उसी कंसेप्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल मेरे पास अवेलेबल है। इस न्यूमेरिकल को हम लोग सोल्व करते हैं और सीखते हैं कि जो कंसेप्ट पढ़े हैं उसका यूटिलाइजेशन कैसे से करेंगे। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और डायग्राम बनाते हैं। बोला है क्वेश्चन कि ए बॉडी ऑफ वेट 500 न्यूटन, यानी कोई वस्तु है जिसका वेट कितना दिया है 500 न्यूटन, ठीक है, लाइंग ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। यहां तक क्वेश्चन पढ़ लिए कि कोई वस्तु था जिसका वेट कितना था 500 न्यूटन और किसी ना किसी रफ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा गया। रख लेते हैं, कोई रफ इंक्लाइंड प्लेन बना लिए और यहां पर रख दिए और वेट कितना लगा देंगे नीचे 500 न्यूटन। इतना तो बोला है, इतना काम हम कर लेंगे। व्हिच इंक्लाइनेशन 25 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ये जो इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन कितना दिया है हॉरिजॉन्टल से 25 डिग्री दिया, ये भी सही हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ इफर्ट, आपको निकालना है कि कितना इफर्ट की जरूरत है। अब इफर्ट नीचे लगाएंगे कि ऊपर लगाएंगे, क्या लगाएंगे आगे पढ़ेंगे तब मालूम चलेगा। रिक्वायर टू मूव द बॉडी इन अपवर्ड, अब कितना फोर्स लगाया कि बॉडी कहां पे जाए ऊपर की तरफ, तो फोर्स भी ऐसे लगाएंगे। अब ऐसे लगाएंगे तो फोर्स इस प्रकार लगेगा कि इस प्रकार लगेगा अभी मालूम नहीं चला, आगे पढ़ेंगे। इफ इफर्ट एक्टिंग पैरेलल टू इंक्लाइन, यानी कहने का मतलब इफर्ट जो होगा इसके पैरेलल लगेगा, यानी इफर्ट इस प्रकार से लगेगा। पी निकालना है, पी का वैल्यू निकालना है, टेक एंगल ऑफ फ्रिक्शन, म्यू का वैल्यू कितना लेना है 20 डिग्री लेना है, सॉरी फाई का वैल्यू कितना लेना है 20 डिग्री। चलिए, तो इस प्रकार का कंसेप्ट अभी हम पढ़े थे। मोशन किधर है, ऊपर है, मोशन कहाँ है ऊपर की तरफ है, क्योंकि बोला है कि बॉडी को कहाँ ले जाना है अपवर्ड डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पे फ्रिक्शन लग जाएगा, ये चीज का क्लियर हो गया। दूसरी का इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करना था और यहाँ पे क्या लिखना था आर एन, और ये 25 डिग्री थे, अभी कितना होता है 25 डिग्री होता है, ये चीज अब क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पर लिखेंगे 500 cos 25 डिग्री और यहाँ पे क्या लिखेंगे 500 sin 25 डिग्री, ये सोल्व हो गया। अब मेरे पास एक इक्वेशन इधर बनेगा, एक इक्वेशन इधर बनेगा, हमको पी का वैल्यू निकालना, निकल सकता है ना, क्यों नहीं निकलेगा। देखिए क्या लिखेंगे, अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जब हम इसको सोल्व करेंगे, देखिए वर्टिकली समेशन ऑफ एफ वाई क्या करेंगे जीरो, आर एन ऊपर है ना, प्लस आर एन माइनस 500 कॉस 25 डिग्री इक्वल टू जीरो। आर एन का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, कितना होगा 500 कॉस 25 डिग्री। आपके पास कैलकुलेटर होगा जो एग्जाम में अलाउ है, उस केसीओ का वैल्यू निकाल कर आर एन का वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरे का क्या अप्लाई करेंगे हॉरिजॉन्टली, तो क्या करेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो करने वाले हैं। इधर क्या लग रहा है पी, इधर में क्या लग रहा है माइनस एफ, माइनस कितना 500 साइन 25 डिग्री,
इक्वल टू जीरो। अब यहां पर दो वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, दो है, तो एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, एफ इक्वल टू माइनस से देना चल जाएगा पी माइनस 500 साइन 25 डी। दो इक्वेशन बन गया ना, एक आर एन का वैल्यू निकल गया, एक एफ का वैल्यू। अब हम पढ़ के आए थे फाई का वैल्यू यहाँ पे 20 डिग्री दिया है, तो म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स सॉरी टेन 20 डिग्री, कितना हो जाएगा टेन 20 डिग्री निकाल लेंगे। यहाँ पे म्यू का मान निकल जाएगा, उस म्यू का मान का यूज करके एक रिलेशन आपको पढ़ाया गया था, एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर एन। आपको एफ का इक्वेशन मालूम है, म्यू का वैल्यू यहां से निकालेंगे और आर एन का वैल्यू यहां से रखेंगे, और आप सोल्व कीजिएगा कि मेरे पास जो वैल्यू आया पी का वो कितना आएगा। तो एफ क्या रखेंगे, पी माइनस 500 साइन 25 डिग्री। म्यू का मान कितना रखेंगे, यहां से जो भी वैल्यू आएगा उसको रखेंगे, गुना आर एन का मान कितना रखना है, 500 कॉस 25 डिग्री। आप इसको सोल्व कर पी का मान निकाल के हमको कमेंट कीजिएगा कि कितना आपका आंसर आ रहा है। इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे।